वाले हैं, दैट इज मॉलिकुलर इवोल्यूशन। तो सिलेबस भी दिखा देता हूँ आपको, एंड देन विल स्टार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत इजीली मतलब आप कर सकते हो एग्जामिनेशन में विदाउट एनी मिस्टेक, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर। तो आजकल हम ये सोच रहे हैं कि जितने भी इवोल्यूशन की पार्ट है वो खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन है। सिलेबस दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रही होगी। तो एक तो नाइन्थ वाले में अभी हमने टच नहीं किया है, डायवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, ये बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इजी है क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कल हमने ये पढ़ा था, दिस वी हैड थ्रस्ट यस्टरडे, एक मिनट हाँ पेन ले लो, ये हमने पढ़ा था एडप्टिव रेडिएशन, एडप्टिव मॉडिफिकेशन, ये सारा पढ़ा था, बाकी ये बाद में पढ़ाएंगे। yes, sir. ये कल हमने डिस्कस किया था। रिकॉर्डिंग ऑन है, बैकग्राउंड में कर रहा हूँ इसीलिए वीडियो ऑन नहीं है। कल की रिकॉर्डिंग देखा था, कल की रिकॉर्डिंग अच्छी आई होगी, क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त आई थी। कल मैंने बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग करी थी, दोनों रिकॉर्डिंग करी थी, तो HD क्वालिटी मिल जाती है हमको इसमें। चलो देख लेना। हाँ, फिर ये सब कॉन्टिनेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि ये बहुत ही कम पढ़ा हुआ है बच्चों ने और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आज इसको कवर कर देंगे। एंड देन ये ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, रेयर एंडेंजर्ड कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। तो ये नाइन्थ के हमने तीन डी एफ और थोड़ा सा बी पार्ट हमने कवर कर दिया है, ठीक है। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल में देख लीजिए हमने क्या क्या कवर कर दिया, ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पीसीज इंट्रैक्शन, कम्युनिटी इकोलॉजी, है ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन रह गया है वो अभी टच नहीं किया, बाकी ये भी हो गया है इकोसिस्टम इकोलॉजी। इसमें जो थोड़ा सा रह गया है वो ये हम टच करने वाले हैं, इंडियन इकोसिस्टम, ये हमने अभी टच नहीं किया है। फॉरेस्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ इस पर, मराइन एस्टुरीज आज मैं देख ही रहा था इसका। और फिर यहाँ भी देखो बायो जियोग्राफी फिर से आ गया है ना, नाइन्थ यूनिट में भी है एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द टेंथ यूनिट, ये कॉमन है। तो ये टिक करते रहो, तुम लोग टिक करते हो कि नहीं पता नहीं मुझे, बट अपने सामने सिलेबस रखा करो प्रिंटेड फॉर्म में एंड उस पर मार्क किया करो पेंसिल से, है ना, क्योंकि स्ट्रैटजी बहुत जरूरी है। एक साइंटिस्ट बनने के लिए पूरी ट्रेनिंग है, साइंटिस्ट बनने में तो बहुत ईजी है, एक बार ये आपने क्वालिफाई कर लिया तो बाकी स्टेजेस ना बहुत ईजी है। सबसे टफ स्टेज यही है, मोस्ट टफ स्टेज आई कैन सी। एंड तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ये सारा हमने कवर किया था, ये वाला मेजर ऑफ मैनेजमेंट इंडियन केस स्टडी कंजर्वेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ज़्यादा नहीं किया था, बायस पे रिजर्व तक गए थे थोड़ा सा, ठीक है। जो कॉन्टेस्ट में बात आती गई, तो आज मैंने देखा कि इसमें एक 11th यूनिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पैलिंटियोलॉजी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जो कि हमने कवर कर दिया पूरा 11th यूनिट का। कल हमने पढ़ा था आपको याद होगा अक्षी का, इवोल्यूशनरी टाइम स्केल, इराज पीरियड इपोक, है ना, मेजर दीपांशी ने देखा होगा वीडियो, दीपांशी हैव यू सीन दैट वीडियो? हाँ सर। हाउ वाज द, यस सर, कंप्लीट नहीं हुआ थोड़ा सा। हाउ वाज द क्वालिटी, जस्ट आई एम आस्किंग, क्वालिटी ऑफ वीडियो इज बेटर देन अर्लियर वन? ठीक है, अच्छा है कि ठीक है, ये बताओ। हाँ सर। अच्छा, हाँ ठीक है सर, मतलब अच्छा नहीं है। चलो नो नो इशू, जो आपको बेटर लगेगा वो आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको फीडबैक अच्छा मिलेगा। तो हाँ, ये थोड़ा सा मुझे एक ये काफी क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल इवोल्यूशन, आपने फर्स्ट टाइम आई थिंक सुना होगा ना न्यूट्रल इवोल्यूशन। फिर मॉलिकुलर डाइवर्जेंस क्या है ये नहीं पता होगा, मॉलिकुलर क्लॉक्स क्या है ये भी बिल्कुल नहीं पता होगा, फिर मॉलिकुलर टूल्स इन फाइलोजेन, ठीक है, ये तभी आप पढ़ समझ पाएंगे व्हेन यू कवर दिस पोर्शन। आज मुझे लगता है काफ़ी लंबा टाइम जाने वाला है इसी के डिस्कशन में। फिर थोड़ा सा ये बताएंगे क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एनालिसिस,
ओरिजिन ऑफ न्यू जीन्स एंड प्रोटीन सारा कवर हो जाएगा ये आज, ठीक है। तो कल सी पोर्शन कवर हो गया था, डी पोर्शन मेरे ख्याल से मुझे ये कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा आप लोग कहेंगे दैट इज ओरिजिन ऑफ सेल्स एंड ये पढ़ लेना क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, राइट। तो जो रियल एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उनको थोड़ा सा ये पढ़ लेना, ये 12th क्लास का है, मिलर है ना, ओपन कॉन्सेप्ट ऑफ, ये देखो कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन हल्ने है ना, फर्स्ट सेल, ये टाइम, मतलब मैं इतने एक्सपर्टीज में मैं चाहता हूँ कि थोड़े टफ टॉपिक कवर करूँ, इजी वाले आप लोग देख लेना, है ना। मैं अभी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जंप करने वाला हूँ, मल्टीपल बायोलॉजी में मैं लास्ट में आऊंगा। यस सर, लास्ट सर, नहीं तो मल्टीपल बायोलॉजी से सिर्फ दो क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो बड़ा मतलब मुझे लगा कि इतना ज्यादा वो वैल्यू नहीं दे रहा है मल्टीपल बायोलॉजी की। ब्रेन बिहेवियर इवोल्यूशन अगर आज नहीं हुआ तो कल कर देंगे, ठीक है ना। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस पॉपुलेशन जेनेटिक्स आरडी विनबर्ग ला, ये हमने पहले ही कवर कर दिया है, ठीक है। तो कंफ्यूजन कहाँ होता है, एक नेचुरल सिलेक्शन होता है, एक नेचुरल न्यूट्रल इवोल्यूशन, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है आदमी को। स्पेसिएशन ऑलरेडी कल हमने कवर किया था, एलोपेट्री सिंपेट्री है ना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये सारा कल हमने पढ़ा था। एडॉप्टिव रेडिएशन भी कल पढ़ा था, तो ये मैकेनिज्म ऑलमोस्ट हमने कवर कर दिया है। डी ब्रेन बिहेवियर वाले स्टार्ट करेंगे, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी आया था किन सिलेक्शन की, रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म, प्रॉक्सिमेट अल्टीमेट, ये पूरा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मजा आता है इसको। और आपको बताऊं कि डार्विन ने तो कहा ही था, जो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो एक साइंटिस्ट ने मतलब उनसे पूछा गया कि एक्चुअली में क्या है लाइफ साइंस, बायोलॉजी क्या है ना, व्हाट यू कैन से इन वन लाइन। उन्होंने कहा कि बायोलॉजी इज इनकम्प्लीट या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज इनकम्प्लीट विदाउट स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, है ना, कि अगर आपको इवोल्यूशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, राइट, तो आपको कोई भी साइंस आप पढ़ लो इट्स इनकम्प्लीट। तो मुझे लगता है कि इसीलिए साइंटिस्ट एसोसिएशन है कि बहुत ज़्यादा इसको वैल्यू दे रहे हैं, स्पेशली 9, 10 और 11 यूनिट को। इसमें काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग भी चीज़ें हैं, जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक है, वहाँ पे मॉलिक्यूलर क्लॉक है, यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लॉक है। डेवलपमेंटल बिहेवियर, सोशल कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के लिए भी, खुद लर्निंग, मेमोरी, अभी आज तक हमको पता नहीं लगता कि हमारी लर्निंग शार्प कैसे हो सकती है, मेमोरी की बातें हम हमेशा करते हैं। इस पर मैंने तो फिजिकली काम किया है, 5 साल काम किया है इस पर, हाउ टू इम्प्रूव द कॉग्निशन, मेमोरी, लर्निंग, और अभी भी मैं चलाता हूँ क्लासेस, है ना, जो वीक बच्चे होते हैं जिनकी मेमोरी कमजोर होती है। तो सोशल डोमिनेंस, यूज ऑफ स्पेस, टेरिटरी, ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मेटिंग सिस्टम कवर करना है, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट ये कवर करना है, तो ये सारा आ जाएगा इसी में, ठीक है। तो जैसे ये कवर होगा देन वी विल स्टार्ट द डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड आफ्टर दैट लास्ट में हम अप्लाइड बायोलॉजी और 13 यूनिट कवर करेंगे, सबसे लास्ट में जाएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नया बैच हम फिफ्थ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें जो भी आपका टॉपिक नहीं होगा, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं हुआ रहेगा उस टाइम तक, तो वो हम स्टार्ट कर देंगे नए बैच के साथ, ताकि आपका भी होता रहे और जो बच्चे नए आए हैं उनको भी, है ना, सीखने का मौका मिले। तो मैंने इस तरह से प्लान बनाया क्योंकि अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है ना, तो मेरे ख्याल से जो इस बार का बैच है और नया बैच, वो दोनों एक साथ ही एग्जाम देंगे। यस सर, ऐसा बन रहा है, है ना। तो लेट अस स्टार्ट द मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। यस सर, क्योंकि सर सितंबर से पहले तो दिसंबर नवंबर के बीच में होगा एग्जाम के लिए, जैसे पिछले साल हुआ था वही होगा, पिछले साल भी इन्होंने